चलिए जी करते हैं एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फसवाण उत्तराखंड चमोली के शोल डुगरी गाँव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में। और आज की नई वीडियो में, नई वीडियो की शुरुआत शाम के करीब 4 बजे से मैं कर रही हूँ। और अभी मेरी तैयारी है घास के लिए जाने की। तो आजकल ना यहाँ पर मंडवा गुड़ाई का काम चला हुआ है, सभी लोग मंडवा गोड़ने में लगे हुए हैं और बरसात भी शुरू हो चुकी है, तो रोज़ बारिश भी हो रही है। और बाकी चारों ओर इस तरह से कुछ हरियाली छाई हुई है और मौसम भी कुछ इस तरह का हो रखा है, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं और बाकी बारिश आने की मतलब तैयारी है। जबकि सुबह से ना लगातार बारिश हो रही थी, आजकल रोज़ बारिश ही हो रही है। घास के लिए जाने से पहले हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय, तो मेरी माँ ने चाय बना दिया है और सुनीता दीदी भी ना मंडवा गोड़ने के लिए जा रही थी, तो यहाँ पर बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं। और चाय पी रहे हैं गुड़ वाली कटकौजा जो है बुंज। तो शाम की गर्मा गर्म चाय हो रही है, उसके बाद सभी लोग आजकल खेतों में गुड़ाई करने में लगे हुए हैं। और फिलहाल मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े आए थे सिलने के लिए, तो माँ की मदद भी नहीं कर पा रही हूँ गुड़ाई करने में। और ये सुनीता दीदी ने भी आजकल छोड़ दिया है, ये अपना अपना अकेले अकेले गुड़ाई कर रही है। सुनी दीदी के लिए छोड़ दिए हम दगोड़। तो के छाण के जाने वे ये देखो भाई, अब यहाँ बुआ जी भी चाय पीनी है, पुफू भी मन थोड़े खाओ गुन पे है। हां चाचा जी पुफू कान के लागो जी बोल ना, तू बोल थारी जी वो फरी जो आउ भी जोन थारी जोन पर आन कान के मानो नी आम से अपना आदमी हो जो बेटे वे में बोला को गांव से या जाना फिर दो ठीक कर तुम बोल तावे लगा तुम मम्मी धाने तो तुम धाला गुणे नी जी तो लेके आवे रे हो जे बिसरी तुम्हें ना ना तुम्हें कोई नहीं बिसेर सका नहीं। तो भाई बुआ जी भी ना यहाँ खेत में गुड़ाई कर रही थी मड़ुए की, तो अभी बुआ जी भी यहाँ पे चाय पीने के लिए आ गई, क्योंकि बुआ जी का भी टाइम हो गया था चाय का, है ना। वो ताबे लगे हो तुम भी था भाई। चाय पीने के बाद मेरी तैयारी हो चुकी है घास के लिए जाने की, और बुआ जी सुनीता दीदी और मेरी माँ वो तीनों भी अपने अपने खेत में मंडवा गोड़ने के लिए जा चुके हैं। बाकी ऊपर गौशाले में है मेरे घास की सोल्टी, तो वहीं से मैं सोल्टी लेके जाऊंगी। और यहाँ पे एक ही फूल खिला है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत खिला हुआ है ये देखो भाई। और बाकी यहाँ गौशाले के आगे गाय और भैंस भी बाहर बंधे हुए हैं, और इस कनस्तर में धुआं लगाया हुआ है जंगली मक्खी मच्छर वगैरह भगाने के लिए। और बाकी ये रही भाई मेरी सोल्टी, अब मैं जाती हूँ घास के लिए। और घास काटने के लिए ना मैं यहीं घर के पास वाले खेतों में आई हुई हूँ। और इस वाले खेत में ना ये देखो तिल की पौध भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, और बाकी बीच बीच में इस साइड को मंडवा है, और मंडवा के बीच में यहाँ पे ये दाल और चौलाई के पौधे बोए हुए हैं। और बाकी घास ना मैं यहीं से ऊपर के लिए काटूँगी, ये नीचे खेत है, खेत के ऊपर साइड को मैं यहीं से ऊपर के लिए घास काटूंगी। और बाकी घास भी ना छोटी छोटी हो रखी है, क्योंकि इस बार ना बारिश मतलब आजकल में ही आ रही है, कल परसों तो भयानक वाली रोड जिसको बोलते हैं वो पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ना घास भी पूरी तरह सूख गई थी। अभी तो मतलब कुछ कुछ हरी हो चुकी है ये देखो, और घास ना काफ़ी ज़्यादा छोटी हो रखी है, हाथ में भी नहीं आ पा रही है। जैसे घास काट रहे ना तो छोटे छोटे तिनके मतलब नीचे गिर रहे हैं घास के। तो चलिए जी, अभी ना मेरा घास भी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो इतना सा घास मैं लेके जा रही हूँ, और घास ना अभी बहुत छोटा छोटा हो रखा है, आजकल उग रही है, तो इसलिए काटने में भी बड़ी आफत आ रही है, क्योंकि बड़ी घास ना जल्दी जल्दी कट जाती है। तो इतना सा मैं घास लेके जा रही हूँ। बाकी शाम का कुछ इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों को ये दिख रहा होगा हमारे गाँव का। और जैसे जैसे
मानसून आते हैं तो हरियाली खूब छा के खिल के आ जाती है। पहाड़ों की सुंदरता ना काफ़ी खूबसूरत लगती है और बरसात के टाइम पे ना खूबसूरती तो बढ़ती है पहाड़ों की, लेकिन कई सारी समस्याएं पहाड़ों में हो जाती है बरसात की वजह से। जैसे जगह जगह बादल फटने की खबर सुनाई देती है, नदी नाले गदेरे बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है जगह जगह पे, और साथ में रोड की असुविधा हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाता है, तो जिसकी वजह से मार्केट जाने की ना आवाजाही भी जो है कि बंद हो जाती है, और काफ़ी सारी समस्याएँ गाँव वालों को होती है इसकी वजह से। तो चलिए जी, अभी ना घर भी पहुंच चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे ना जो धुआं लगा रखा था मेरी माँ ने कनस्तर में वो भी बुझ चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे गाय भैंसों को ना काफ़ी मच्छर और मक्खियाँ खा रहे हैं। और घास लेके आने के बाद ना मैं यहाँ पे नीचे सिलाई करने के लिए आ चुकी हूँ, और आजकल ना कई सारे कपड़े मेरे पास आए हुए हैं, खासकर बच्चों के स्कूल के कपड़े आए हुए हैं, और बच्चे भी ऐसे ना एक महीना मतलब जून का महीना छुट्टियों में निकल गया, लेकिन कपड़े लेके ना अभी आ रहे हैं, मतलब 24 और 25 तारीख से बच्चे स्कूल के कपड़े लेके आ रहे हैं, और सभी यही बोले बुआ जी हमें ना पहली तारीख तक मतलब 1 जुलाई तक कपड़े चाहिए, तो इतना सारा मतलब कैसे होगा। तो बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करूँगी जितना भी हो पाएगा किसी का मतलब 1 जून को 2 जून का कम से कम 5 जून तक तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलना पड़ेगा। बाकी सुबह के टाइम पे ना रीना दीदी भी आती है, आई थी आज तो जिसकी वजह से थोड़ा हेल्प हो जाती है, लेकिन वो कभी सुबह कभी शाम के टाइम पे आती है रीना दीदी भी, क्योंकि रीना दीदी का भी ना खेतों का भी है और गाय भैंस का काम भी होता है, तो जिसकी वजह से वो भी दोनों टाइम नहीं आ सकती है। और बाकी मुझे अभी सिलाई का और प्रेस का काफ़ी सारा काम करना है, अभी रात के टाइम पे मैं पूरा प्रेस वगैरह का काम मतलब कर देती हूँ क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगता है। और बाकी आप लोगों को ना मेरे पिछले जब हमारे सेलिब्रेशन वाले वीडियो, उससे पहले भी जो मैंने धन्यवाद वाले वीडियो बनाए हुए थे आप लोगों के लिए, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और साथ में अपनी गाँव की सभी महिलाओं का ना मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सामने से ना मैंने उनको धन्यवाद बोला ही नहीं जब उन्होंने पार्टी वगैरह करी थी, क्योंकि इतना टाइम मिला ही नहीं कि बात हो सके उनसे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद पकौड़ी वगैरह बनाना खाने पीने में इतना मस्त थे कि उनको बोला भी नहीं मैंने, और इसलिए ना मैं ब्लॉग के माध्यम से ही उन लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। और बाकी मैं आज के इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिलाई वगैरह का काम भी बहुत ज़रूरी है। ब्लॉग समाप्त करते करते ना ये देखो ये कुछ बच्चे आए हैं, तो ये भी ना स्कूल की ड्रेस लेके आए हैं, तो इनसे पूछा कि आज तक इतनी बड़ी छुट्टियों में मतलब एक महीने की छुट्टियों में क्यों नहीं लेके आए। वो भूल गए थे ना, इसलिए भूल गए थे कि स्कूल भी जाना है, तो ये हाल है भाई बच्चों के, मतलब स्कूल जाना है ये भी भूल गए थे, तो स्कूल के ड्रेस के बारे में क्या याद रहता, इनके भी मतलब स्कूल की ड्रेस सिलना है, इसलिए ये बच्चे भी आए हुए हैं अभी, और एक नीचे साइड को साथ मतलब दगड़ा करने के लिए मेरा भाई है। हाँ, ये दोनों भाई बहन आए हुए हैं मतलब। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, बाय बाय।